हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल आर्डी द वे ऑफ सॉल्यूशंस। ऑफ फ्रेंड्स, आज हम हायर परचेज सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस को हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके ऑलरेडी दो वीडियोस हमने अपलोड भी किए थे, पैटर्न एक के या मेथड एक के। आज हम दूसरा मेथड इसको पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास सेकेंड मेथड है, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। पहला मेथड हमने जो स्टडी किया था जिसके बारे में, वो मेथड था इंस्टॉलमेंट जो हम पे कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड रहता था, यानी कि व्हेन इंटरेस्ट एडेड इन या इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर हमारा सेकंड मेथड ये है कि हम जो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में गिवन है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट या पेमेंट है ही नहीं, ऐड ही नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़े। कैलकुलेट करने के बाद ऐड करेंगे, जब ऐड कर देंगे हम तब जाकर वो हमारे एक्चुअल इंस्टॉलमेंट की प्राइस निकल के आएगी। सो फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड येलो बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने क्वेश्चंस के बारे में, एंड जस्ट नीचे आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं जो हमारे लिए वैल्यू रखती है, हमने उसको नोट डाउन कर रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में, हमारे माइंड में यही आता है कि हम कैसे ये फाइंड आउट करें कि क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें इंटरेस्ट ऐड है या नहीं ऐड है। तो पहला जो मेथड होता है कि इंटरेस्ट ऐड है उसमें, तो वो क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे क्वेश्चन जो गिवन है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दे रखा है कैश वैल्यू उसकी 47,000, ठीक है। हमने कितना पेमेंट कर दिया है उसको, एडवांस 7,000 हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, ओके। देन एनुअल, फोर एनुअल इंस्टॉलमेंट, हमने चार साल उसको पेमेंट किए कितने रुपए के, 10,000 रुपए के ईच, यानी कि 40,000 रुपए में उसको पेमेंट कर दिए। 7,000 रुपए हमने एडवांस दे दिए थे, 40,000 रुपए मैंने इसको चार साल में दे दिए, यानी टोटल पेमेंट कितना किया मैंने, 47,047, यानी मैंने उसको दिए भी 47,000 रुपए और उसकी कैश वैल्यू भी 47,000 रुपए थी। लेकिन ये कैश वैल्यू अगर मैं तुरंत पैसा देता तो मशीन खरीदता तो 47 की पड़ती, लेकिन चार साल बाद मैंने इसको टोटल पैसे दिए वो भी सिर्फ 47,000 रुपए, यानी कैश वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल पेमेंट। 47,000 कैश वैल्यू इज इक्वल टू 47,000 टोटल पेमेंट। यहाँ दोनों जब इक्वल हैं तो इट मीन्स कि इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड नहीं है। जब इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करके हम इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट थिंग ये देखते हैं कि हमें ये जो 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे रखी है ना, एक्चुअली में ये 10,000 की इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये है उस साल की कैश प्राइस। अब अगर उस साल की कैश प्राइस मेरी 10,000 रुपए है, 10,000 है, उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट मेरा 200 रुपए आता है, अगर मैंने उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तब जाकर मेरी ये कैलकुलेशन बनेगी कि ये 10,200 रुपए मुझे पेमेंट करना है, यानी 10,000 रुपए कैश प्राइस प्लस 200 रुपए उसका ब्याज, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट बनी 10,200 रुपए की। यानी कि ये जो क्वेश्चन में एग्जाम दिया हुआ है हमें इंस्टॉलमेंट 10,000, ये एक्चुअल इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये हमको उस साल की कैश प्राइस दिया हुआ है। लेकिन ये कैसे हम कंसीडर करेंगे इसको, जब हमारा कैश प्राइस और टोटल पेमेंट मैच करेगा यानी इक्वल रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो हमें एज ए इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस दे रखा है 10,000, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे आप टेबल देख सकते हैं कि किसका कैसे सोल्यूशन किया गया है। तीन कॉलम बनाया है, कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का एंड इंस्टॉलमेंट का। कैश प्राइस मेरी कितनी है क्वेश्चन में गिवन, 47,000, हमने 47,000 एज इट इज नोट डाउन कर दिया। डाउन पेमेंट मेरे क्वेश्चन में गिवन है 7,000, हम पेमेंट कर रहे हैं एज अ डाउन पेमेंट। तो जो भी हम डाउन पेमेंट देते हैं उस पर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, तो हमें 7,000 सीधा 47,000 से 7,000 लेस कर दिया। बची हुई आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस अब मेरी बच गई 40,000 रुपए, यानी जो मुझे ब्याज देना पड़ेगा वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर हमको देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में निकल के आई 40,000 रुपए, 40,000 रुपए को हम 5% निकाल दिए, कैलकुलेशन में आ गया मेरे पास 2,000 रुपीज मुझे उस साल का ब्याज निकल के आया है। यानी कि अब मुझे कितना देना पड़ेगा, कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए 10,000 रुपए जो हमें क्वेश्चन में गिवन था प्लस कर देंगे 2,000 रुपए, यानी इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे। जब इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपए, यानी 12,000 रुपए मुझे देना है, पेमेंट 12,000 रुपए का। अब देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट ईयर का हमारे पास कैलकुलेशन एंड हो गया फर्स्ट ईयर का। अब हम सेकंड ईयर जाते हैं, जब सेकंड ईयर में हम आएंगे तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग कितनी बची थी, 40,000 रुपए,
40,000 रुपये में से मैंने कितना पेमेंट कर दिया है एज अ कैश प्राइस। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब दोनों मैच करें कैश प्राइस और टोटल पेमेंट, तो देने वाला इंस्टॉलमेंट यानी क्वेश्चन में जो गिवन है एग्जाम्पल, वो हम एज अ कैश प्राइस उस साल के लिए कंसिडर करेंगे। तो यानी कि उस साल का कैश प्राइस कितना हो गया 10,000 रुपये। हमने 10,000 रुपये को यहाँ पुट डाउन करके लेस कर दिया, 40 देना था 10 हम दे चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में, तो हमने लेस कर दिया। लेस कर दिया तो सेकेंड ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी बची, 30,000 रुपये सेकेंड ईयर की आउटस्टैंडिंग बची है। तो अब 30,000 रुपये कैलकुलेशन करेंगे, मेरा आ गया 1,500 रुपये 5% निकाला। अगेन हम वही करेंगे, 10,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 11,500। अब थर्ड ईयर का आते हैं, हमारी आउटस्टैंडिंग 30,000 थी, मैंने कितना पेमेंट कर दिया एज अ कैश प्राइस उसको 10,000 रुपये। तो 30,000 रुपये में से 10,000 रुपये ये लेस कर दिया हमने, अब आउटस्टैंडिंग बच गया 20,000। अगेन 20 पे 5% निकाल दिया हमने, 1,000 आ गया मेरे पास। हमने 10,000 इंस्टॉलमेंट एज अ कैश प्राइस दे रखी है, 1,000 इंटरेस्ट पे ऐड कर दिया, टोटल बच गया 11,000। 20,000 मेरे पास गिवन था यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का, 10,000 ऑलरेडी मैंने दे दिया है, 20,000 में 10,000 लेस करिए, 10,000 मेरे पास बच गया। अब इस 10,000 पे 5% निकालेंगे, 500 आ जाएगा, एंड देन अगेन हम इसको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ लास्ट ईयर का जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी तक हम करते क्या थे कि इंस्टॉलमेंट में से कैश प्राइस को लेस कर देते थे, लेकिन उस सिचुएशन में मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड होता था इंस्टॉलमेंट में। लेकिन यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मेरा ऐड नहीं है, ऐड नहीं है, तो हमको इसको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर हमें ध्यान देना है दो चीज़ें, पहले कि क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इंटरेस्ट एडेड है या नहीं, और अगर एडेड है तो हम उसे अपने पहले पैटर्न के तरीके लगाएंगे, और हमारा दूसरा पैटर्न क्या है, जब इंटरेस्ट एडेड ना हो। जब ऐड नहीं होता है तो क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट गिवन होता है वो एज अ पर्टिकुलर या फिर क्या कहते हैं उस काल की, उस गिवन पीरियड की हमारी कैश प्राइस में, एज अ कैश प्राइस में कंसीडर करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमें 10,000 एज अ इंस्टॉलमेंट दे रहा है उसे उस साल की हम कैश प्राइस के रूप में ट्रीट करेंगे। तो आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आएगा। तो कैश प्राइस को हम कैश प्राइस से लेस करेंगे, यानी इस साल के यानी कि फर्स्ट ईयर देखिए, फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेरी 40,000 थी, उस साल की कैश प्राइस हमारी कितनी थी 10,000 रुपये की। ओके हमने लेस कर दिया 40 में से 10 बचा 30 साल, यानी कि 30 साल के सॉरी 30,000 रुपये मेरी क्या हो गई स्टार्टिंग में मेरी आ गई कैश प्राइस की आउटस्टैंडिंग, और इस सेकेंड ईयर मैंने कितना पेमेंट की 10,000 रुपये। अगेन 10,000 पे कर दिया, तो यानी कि अब मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी बची 30 में से 10 लेस कर दी 20। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, समझना है और सॉल्व करना है। सो आई होप कि फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इश्यूज होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।